अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता बसता रखे, जहाँ रहे अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ और आपकी भाभी भी ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरी तरफ से मेरे बहन भाइयों को तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जाने जा रहे हैं राबिया लाइफ, यानी कि आप भी देखते आपने भी देखी होगी उनकी वीडियो। ये अहमद भाई और राबिया बाजी जो उनसी हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उनकी वीडियो हमने देखी, काफ़ी अफसोस हुआ, काफ़ी उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनकी इज्जत उछाली जा रही है, सिर्फ किसकी खातिर, व्यूज़ की खातिर। और सस्ती शोहरत की खातिर, ये तो बिल्कुल भी गलत बात है, क्योंकि हमने उनको शुरू से फॉलो किया है और उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है उन्होंने। और आज जब हमने उनकी वीडियो भी अभी भी देखी है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है, हमारी बहुत ही दिल आज़ारी हुई कि ऐसे लोग जो मतलब अपना कॉन्टेंट और इतनी सालों की मेहनत के बाद वो आज इस मकाम में पहुँचे तो लोग उनके पीछे पड़ गए। बस हम ये नहीं कहते कि कौन सही है कौन गलत, पर हम इस चीज़ के पीछे हैं कि जो है ना, अगर कोई बंदा आता है गलत काम तो नहीं कर रहा ना कोई, वो अपनी मेहनत कर रहा है और अपनी उस मेहनत के सिलसिले में अगर वो आज अल्लाह ताला ने इज्जत भी दी ये है भी तो उनकी हाँ सिर्फ एक मेहनत थी, मेहनत की और बिल्कुल आज उन्हें रंग लग गए। ये भी उसके खाते जनसा वीडियोस बना रहे, कतर की धमकियां दे रहे हैं, उनके बच्चों को जलील कर रहे हैं, किसी की बहन बेटी की इज्जत खराब कर रहे हैं। तो ये मैं हमें बिल्कुल भी इनकी ये बात पसंद नहीं आई। और उम्मीद करते हैं कि आपको भी जो है ना इसके ऊपर कमेंट्स करेंगे कि ये हमारी जो बात हम उनके प्रोटेस्ट में बना रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये हमारी तमाम उन बहनों के लिए, वो तमाम भाइयों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, और इसी वजह से हमारा जो है ना मुल्क तरक्की नहीं करता, और ना ही कोई जो हम जो है लड़कियों के साथ कदम से कदम कोई नहीं मिलाता, क्योंकि अगर वो कोई कदम लड़की उठाती भी है ना, तो उसको इतना उसको डिक्रेज किया जाता है कि वो कभी भी वो सोचती कि भी नहीं कि है ना मैंने ये कदम उठाना है। इसी वजह से हमारा जो मुल्क है वो हमारी बहनों की वजह से, हमारी बेटियों की वजह से बहुत पीछे रह गया है। आज हम उनको जो है ना जिस मकाम पे लेके जाना चाहते हैं, तो वो जो चंद बहादुर बेटियां हैं उनकी इज्जत को इस तरह उछाला जाता है कि वो कभी भी आगे अपनी नहीं बढ़ आगे सकती। बढ़ने की कोशिश सबसे करें। बड़ी बात यह है, जब लड़की कवारी होती है तो कभी भी इस तरह नहीं आती। अब अपने शोहर के साथ आने लगी, जैसे तीन चार चैनल है, पाक विलेज व्लॉग वाली बाजी हो गई, इसके अलावा मिंटू फैमिलीज हो गई, जी और कैसा अपने बिल्कुल शोहरों के साथ सिर्फ एक इज्जत कमाई है उन्होंने, मेहनत की बिल्कुल है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत काम कर रही है, अपनी मेहनत कर रही है, उसका सिला ले रही है। जी, देखें कंटेंट किस भी किस्म का अगर वो ले रहे हैं, फंडिंग ले रहे हैं या कोई भी ऐसी किस्म की चीज़ है, तो उनका वो और हक है, उनका उनका हक की बात नहीं है यार, वो और उनका मामला वो जाने, उनका और काम है। जो काम जाने और जो हिसाब किताब है, जो देन देन है या लेन है, वो बेहतर जानते हैं। और अल्लाह की ज़ात अगर वो इसमें गलत कर भी रहे हैं, तो वो अल्लाह के हाँ जवाब दें, ठीक है। तो हमारा बाकी हक नहीं हम बनता बिल्कुल कि नहीं हम किस बनता पे बैड कमेंट्स करें, किसी कमेंट्स को कर किसी की तंग बहन बेटी करें, के किसी का ऊपर, दिल और दुखाएं। सिर्फ जो है ना सस्ती शोहरत की खातिर, ये बात बहुत ही ज़्यादा गलत है। और उनको जान से मारने की धमकी, उसके छोटे छोटे बच्चियों को थोड़ा सा तर्स का है, आप उनके हालात माशाल्लाह से कुछ अगर बेटर हुआ है तो उनके वो भी तो हालात देखे, जब उन्होंने कराची के अंदर किराए के मकान में ऐसी गुर्बत और तंदरुस्ती में गुजारी है कि जो मतलब ना देखने वाली है, मुश्किलें तो देखती मुश्किलें काशी भी आसानी आती, बिल्कुल अल्लाह ऐसी पाक बात ने है, मुश्किलें दी, आज आसानी आई है, आसानी है ये, तो तो खुश होना इसमें चाहिए खुश होना इसमें। चाहिए कि हमें जो है ना हमारा कोई पाकिस्तान जाकर निकला है, हमारा जो है ना पसमींदा इलाके से जो कुछ लोग ऊपर आ रहे हैं, तो हमें उनको जो है ना बजाय उनको इनक्रीज करने के, हम उनको डिक्रीज करते हैं और उनको इतना दिलाजारी करते हैं। अब उसका भाई इतनी सर्दी के अंदर, ठंड के अंदर वो बेचारा छत के ऊपर सोता है, वहाँ पे उनके घरों की तरफ जो है ना बंदे भेजे जा रहे हैं उनको, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान और टॉर्चराइज किया जा रहा है, ठीक मेरी तो है बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक राबिया उनको बाजी और अहमद भाई पे रहम बिल्कुल। करें, और उनके छोटे छोटे मासूम बच्चों पे रहम करें। जी अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे। हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ ना सिर्फ उनके लिए, बल्कि हमारी तमाम उन बहनों के लिए, तमाम उन भाइयों के लिए जो अपने लिए कुछ करते हैं या कुछ करना चाहते हैं, जो और उनको जो है ना कुछ लोग चंद एक जो है ना मतलब इतना ना जो है नाट में नमक के बराबर जो लोग होते हैं, ये सबको ऐसे करके रखते हैं। अब हम कुछ किसी का नाम लेते हैं, नाम लेना चाहेंगे, हम नहीं जानते वो कौन लोग हैं, ना हम कुछ किसी के बारे में कह सकते हैं, बस हम इतना कहते हैं कि प्लीज़ आप जो है ना जो भी बैड्स हैं कमेंट्स करना प्लीज़, छोड़ हाँ जी, दें, किसी की बहन और बेटी के ऊपर बैड कमेंट्स बिल्कुल भी ना करें। तो आज की वीडियो थी हमारी यहाँ तक, इंशाल्लाह आप भी जो है ना हमें कमेंट्स बॉक्स में जो है ना हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। तब तक मुझे और लीना को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह हाज़िर होते एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, अल्लाह आपका हमें नासिर, जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।